झारखंड में एनडीए ने आपने यानी कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यदि बात करें तो एनडीए के अंदर बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ रही है, आसू 10 सीटें और जेडीयू को 2 सीटें मिल रही है। वहीं लोजपा जिसे रामविलास पासवान की पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमार सीट दी गई है, चिराग पासवान के एलजी भी 17 सीट मिली है। यदि बात करते हैं कि किसे कहां से सीट मिली है, इसमें पहली स्थान आती है वो है सिमडेगा। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा को सीट मिल गई है, यानी कि सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा बीजेपी का उम्मीदवार होंगे। वहीं कोलेबिरा से सुजान जोजो जो इस बार झारखंड में चुनाव लड़ने वाले हैं, मनिका से हरिकृष्ण सिंह को मिल गई है, हरिकृष्ण सिंह मनिका से चुनाव लड़ेंगे। लातेहार से प्रकाश राम बीजेपी का उम्मीदवार हैं। वहीं पाकी से श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, यानी कि अगले बार शशि भूषण मेहता को ही मिला था, इस बार भी शशि भूषण मेहता को भी मिला है। वहीं डाटेंगन विधानसभा आलोक कुमार चौरसिया को मिल गया है डाटेंगन विधानसभा से, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुया, जी हाँ पुष्पा देवी भुइया को छतरपुर से मिल चुकी है। वहीं हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। गढ़वा से होंगे बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा से उम्मीदवार हैं। वहीं भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि धनवार से बात की जाए तो धनवार से बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ने वाले हैं, जो इस बार सीएम का भी हकदार बनने वाले हैं। राजमहल से आनंद ओझा, बोरियो से बात करें तो लोबिन हेम्ब्रेन को मिल गई है बोरियो से विधानसभा चुनाव के लिए, बीजेपी का उम्मीदवार हो गए हैं। यानी कि लीतीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। महेश्वर से नवीनतम हेम्ब्रेम महेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं। शिकारीपाड़ा से हरिश्तोष सोरेन शिकारीपाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। नाला से माघव चंद्र महतो को नाला से मिल गई है। जामताड़ा से सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दुमका से सुनील सोरेन को इस बार भी टिकट मिल चुकी है। जारमुंडी से देवेंद्र कुमार, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को मिल गई है, सारण से रणधीर कुमार सिंह सारण से चुनाव लड़ेंगे। वहीं देवघर से बात करें तो नारायण दास देवघर से चुनाव लड़ने वाले हैं। पोडैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह को मिल चुकी है बीजेपी की तरफ से टिकट। वहीं गोड़ा से अमित कुमार मंडल गोड़ा से चुनाव लड़ेंगे। मगामा से अशोक कुमार भगत। वहीं बात करें कोडरमा से नीरा यादव को कोडरमा से मिल चुकी है। बरकटा से अमित कुमार यादव को बरकटा से मिली है। वहीं बरही से मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे। बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी बड़का गांव से बीजेपी का उम्मीदवार बन चुके हैं। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को हजारीबाग से मिली है। सिमरिया से उज्जवल दास चुनाव लड़ेंगे। बगोदरा से नागेंद्र महतो बगोदरा से बनेंगे। जमुआ से मंजू देवी को जमुआ से मिल चुकी है। वहीं गांडे से बात करें तो मुनिया देवी गांडे से चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहवादी गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बेरमो से रविंद्र पांडे बेरमो से चुनाव लड़ेंगे। बोकारो से बिरंची नारायण बोकारो से चुनाव लड़ने वाले हैं।
चंदन कियारी की बात करें तो अमर कुमार बाड़ी को चंदन कियारी से होगी। सिंदरी से तारा देवी को सिंदरी से मिल गई है टिकट, यानी कि तारा देवी सिंदरी से चुनाव लड़ेंगी। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता को निरसा से मिली है टिकट। धनबाद से चुनाव लड़ेंगे राजसिंहा। वही झरिया से रागनी सिंह को इस बार भी झरिया से टिकट मिली है। बागमारा शत्रुधन महतो को बागमारा से मिली है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को उतारा गया। वहीं पोटका से बात करें तो पोटका से मारा मुंडा को पोटका से मिली है। जमशेदपुर यानी पूर्व जमशेदपुर से पूर्णिमा दास साहू को मिला है। सरायकेला से चंपा सोरेन को सरायकेला से उतारा गया है। चाहे बासा से गीता बलमुचू को, चाहे बासा से मजगांव से बड़कुवर गहराई को मिला है। वहीं जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ेंगी। चक्रधरपुर से शशिभूषण समाध को चक्रधरपुर से मिल गई है। खरसुआ से सोनाराम बोदरा को मिल गया है खरसुआ से। तोरपा से बात करें तो तोरपा से कोचे मुंडा तोरपा से चुनाव लड़ेंगे। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा को चुनाव लड़ाया गया है, यानी कि इस वक्त कांटे की टक्कर होगी। खिजरी से रामकुमार पाहन को मिला है। रांची से सीपी सिंह को रांची से मिल गई है टिकट। हटिया से नवीन जसवाल हटिया से चुनाव लड़ेंगे। वही कांके से बात करें तो जीतू चरण राम को कांकेर से मिल गई है टिकट। मंदार से सनी टोपो को मंदार से मिला है। सिसाई से अरुण उराव जो सिसाई से चुनाव लड़ेंगे। गुमला से सुदर्शन भगत को गुमला से उतारा गया है। बिशुनपुर से समीर उराव ये है उम्मीदवार जिसे बीजेपी ने अपने लिए उतारा है, यानी कि ये सभी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। उसमें लिस्ट की कुछ और बातें बात करें तो पहली लिस्ट में 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस वक्त बीजेपी और जेएमएम में किसकी सरकार बन सकती है, आप हमें जरूर